नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। उत्तर प्रदेश के आगरा थाना मंटोला और लोह मंडी में अवैध रूप से चल रहा गाय और भैंस को काटने का धंधा। पुलिस को सूचना मिलने पर छापेमारी कर सबूत समेत मांस भी बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि एक युवक को मांस बेचते पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। हिंदूवादी संगठन ने अवैध रूप से चल रहे इस धंधे पर प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है। लखनऊ से विकास रावत की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। गोकशी के मामले तो तुम्हें लग रहा है एक महीने से लगातार हिंदू महासभा लगी हुई है, पूरे हिंदूवादियों को धमकियां मिल रही हैं। एक जो अपने आप को बशीर बताता है, जो अपने आप को बसपा नेता भी बताता है, कभी कभी वो बीजेपी से भी अपने ताल्लुकात बताता है, ऐसा नेता खुलेआम सारे संगठनों को धमकी देता है और खुलेआम उनका, चाहे तो मंटोला ले लो, खाड़ीपाड़ा ले लो, आजमपाड़ा ले लो, जितने भी उसने बताए उसी में गोकशी हो रही है। आज उसी में से एक सराय ख्वाजा में गोकशी का मामला आया है जिसमें माल भी पकड़ा गया है। हम ये कह रहे हैं गाय का हो या भैंस का हो, लेकिन यहाँ तो ना तो भैंस कटने का कोई ऑर्डर है, ना यहाँ दुकानों पे किसी का लाइसेंस है, फिर भी ये गोकशी हो रही है। या तो ये माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन पर तो कुछ नहीं है, भैंस पौ काटने के अलावा इन पर जब बता दिया, सरकार ने भी बता दिया कि जहाँ भी काटा जाएगा उनका एरिया अलग बना दिया गया है, लेकिन हर घर में एक गैया कट रही है, हर घर में एक भैंस कट रही है, प्रशासन का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। पुलिस तो गोकशी का मामला बता ही नहीं रही है। नहीं, पुलिस कब बताती है? पुलिस कभी बताई है? पुलिस नहीं चाहती कि माहौल ख़राब हो। पुलिस तो कभी भी जब गाय का भी होगा तो भी नहीं बताएगी, क्यों? वो अपने ऊपर नहीं लेती है सारी चीज़ें। लेकिन मैं एसएसपी महोदय से कहना चाहूँगा कि आपका ये क्षेत्र है पूरा आगरा के, आप कप्तान हैं, इस गोकशी पर थोड़ा अंकुश लगाएं। जितने गोकस बाहर घूम रहे हैं उनको तत्काल अंदर किया जाए कि इनकी कितना माल पकड़ा गया। अभी कम से कम होगा तो 15-20 किलो माल पकड़ा गया है, जिसमें से थोड़ा सा सैंपल के लिए गया और माल जब्त हुआ है पूरा। लगातार ऐसी घटना सामने आ रही है, ये लगातार सपना माल कार्रवाई नहीं करता तो आप क्या करो? अगर नहीं हो रहा है तो रोजाना तुम देख रहे हैं। अब आगे ये माहौल खराब होगा तो हम जाम करेंगे, रोड़ों को जाम करेंगे, लेकिन ये प्रशासन को इसके में लेना चाहिए, क्योंकि हिंदूवादी संगठनों ने ये ताना है कि आगरा में बिल्कुल भी गोकशी नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। अगर गोकशी होगी तो कानून अपने हाथ में लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे।